चंडीगढ़ में बीते बरसात के महीनों में कॉलोनियों और गांव में जलभराव की स्थिति बनी रहती है, तो वही चंडीगढ़ नगर निगम व पार्षदों के भी बड़े बड़े दावों की पोल खुलती है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 25 कॉलोनी की। सेक्टर 25 निवासी बिंदर ने बीते जुलाई महीने में घरों में जलभराव की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी और पार्षद पूनम पर भी सवाल उठाए थे, पर वीडियो डालने के बाद भी जलभराव की स्थिति जस के तस रही। एक महीने बीत जाने पर वार्ड 16 की पार्षद पूनम ने उसी युवक पर स्नैचिंग व नशा बेचने के गंभीर आरोप लगा दिए। तो वहीं बिंदर के परिजनों का कहना है कि उनके बेटों को पर जो भी गंभीर आरोप लगाए हैं वे सब बोंडे बुनियाद हैं। मारपीट के मामले को नशा बताकर पुलिस को गुमराह कर रही है पूनम पार्षद और उसके पति संदीप। बिंदर के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा PGI में काम करता था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जबकि बिंदर के परिजनों ने पार्षद के पति संदीप पर सवाल उठाते हुए कहा कि संदीप पर NDPS व कई अन्य मामले दर्ज हैं। मामले में हमने पूनम पार्षद के पति संदीप से भी फ़ोन पर बात करनी चाही तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। देखें और क्या कुछ कहा बिंदर के परिजनों ने इस रिपोर्ट में। नाम रिंका है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये क्या कहते हैं, जो संदीप प्रधान है, हमने एक हफ्ता हो गया था उन्हें कॉल कर रहे थे भी पानी भर चुका है यहाँ पे, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और बाद में हमने वीडियो डाल ली तो बोलते हैं कहते हैं अभी तो ड्यूटी से भी जाएगा, हमारे साथ पंगे ना ले। और हमने बोला अभी प्रधान जी से बात करवा दो आपकी पत्नी से, कहते हमारे पास उनका नंबर नहीं है, कहते आप फ़ोन करके हमें दुखी ना करो, कहते हम आपकी कुछ नहीं वो कर सकते आगे, हमें फ़ोन ना करो। आपके पति क्या करते हैं? PGI में ड्यूटी करते थे। क्या काम करते थे? उनका सफाई का था। मामला हुआ क्या था, क्या बात हुई? वो सिर्फ ये पानी की वीडियो डाल ली थी, वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला भी हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें मत फोन करो, जो उनकी पत्नी है ना पूनम, जो पूनम है भी उनको फ़ोन करो। तो हमने नंबर बोला भी उनसे बात करवा दो, कहते हमारे पास उनका नंबर नहीं है। किसने कहा था ये आपको? ये उनके हस्बैंड ने बोला था, संदीप प्रधान ने। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? सर ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं, सिर्फ ये पानी की बदौलत किया जा रहा है, भी पानी के लिए वीडियो क्यों डालेगी? हाँ जी, तो वो उसने ये भी धमकी दी है अभी 5 साल तक तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये प्रधानी का फायदा उठा रहे हैं और धमकी दे रहे हैंगे, आप ड्यूटी से भी जाओगे और कुछ कंप्लेंट डाल रहे हैं तो हमें धमकी मिल रही है और ड्यूटी पैसे भी हटवा दिया गया उन्हें, बेनजायज़ पर्चा डाला उन पर, और जो भी जितने भी नशे वाले उनका साथ देते हैं और घर की साइड भेजते हैं, धमकी देते हैं वो, और असला लेके घूमते हैं। जितनी बार भी वो चौकी में गए, हम मिलने गए थे उनसे, मेरे हस्बैंड पर जो आरोप लगाए थे, असला लेके जा रहे थे, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने भी, और क्या कहते असले के उस पर डराते हैं। सर साबू के पास भी था और संदीप के पास भी था, और तीन जने आइए, और रोहित है जो साबू का भाई, उनके पास भी था, मतलब कि वो घर भी आ चुके हैंगे, पुलिस वालों के साथ भी आए थे वो। बिंदर की जो सिस्टर हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? सर जो मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाए हैं बिल्कुल झूठे हैं, मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना किसी के साथ लड़ाई दंगा करता, ना किसी के साथ फालतू बात करता, और नशे पता की रही बात, नशा पता तो खुद नहीं करता तो बेचेगा क्या, तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम, नशे का इल्ज़ाम कि वो नशे करता है, नशा बेचता है, तो ये बिल्कुल झूठे और पे मेरे भाई पे। सिर्फ यही वीडियो डाली थी कि भाई हमारा कुछ हल करो, हमारे घरों में पानी भरता है, बार बार उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ नहीं करेंगे, भाई हमारी मर्जी है, जो हमारा दिल करेगा हम वही करेंगे। माना जाए काना भाई, माना कोई नशा मिलना चाहिए, धमकी दे रहे हैं ना, जैसे बिना कसूर हमने मिलना चाहिए, घर में पिस्तौल लेकर आ रहे हैं डेली, हमें बिंदर ने मार देंगे, जेल मानता पहले मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमने इसका हमने वह ऐसे नहीं बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी, मारे बच्चों की सेफ्टी करेगी, वह गड़ काटने लगे, मारे बच्चों की जड़ काटने लगे, जड़ नहीं हम कटाएंगे, उसके देवर जेठ कत्ल तो उरा फिरा, और हमारे बच्चों की नौकरी जा रही है छोटे छोटे उसमें, छोटे छोटे पर्चा में हमारे बच्चे खत्म बना दिए, और जेठ कातल हैं उनके, उसके देवर भी हैं जेठ भी है, उन्हें वहाँ की नहीं देखे जाते हैं, पुलिस साहब तो वो रोप लगा दे, पुलिस क्या करेगी बेचारी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती।
उस पर झूठा आरोप लगावा पुलिस आपको। मतलब आपका कहना है कि जो आपके बेटों पर आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। झूठे झूठे लगा रहे हैं और जोर ला रहे हैं पूरे बंदे यहाँ में रोज दो दो पिस्तौल लेकर धमकी दे रहे, तेरा बलजीत बेटा ना मार देंगे, तेरा बिंदर ना जेल में तो लिकड़ नहीं देंगे, हमने कहा चाहे तो सारे मारे जाओ चाहे एक भी ना मारे जाओ, इसकी कुछ सब ध्यान होनी चाहिए कॉलोनी का है। और प्रधान करवा रहे संदीप, और संदीप खुद कह रहे मैं मारूंगा का, जब संदीप ऐसे प्रधान नो ऐसे काम करेगा फिर इन छोटे क्या करेंगे, छोटे मोटे या तो कुछ नहीं कर सकते ना, पुलिस कुछ कर सकती। हाँ जी, यहाँ पर एक बिंदर नामक के युवक पर नशा बेचने का आरोप लगाया है यहाँ के पार्षद ने। बिल्कुल नहीं, सही है? बिल्कुल नहीं है जी। हाँ जी, नशा पर क्या आते हैं पार्सल। हाँ जी, पार्सल का घरवाला क्यों चढ़ा इतना ऊंचा है, उन्हें नशे बेचे क्यों बेचे उसने नशे, वो तो कहते हैं हम साफ सुथरे कौन कह रहे हैं, साफ सुथरे हैं उसके भाई हैं, उसके चाचा के लड़के हैं, वहाँ गाड़ी चलाते हैं सारा दिन, कहाँ से तेल आता है उन पर, कहाँ से क्या आता है उन पर, कौन सी नौकरी आ रही है उन पर, जुआ खेलते हैं सारा दिन, रंडीबाजी करते हैं, क्या नहीं करते, वहाँ गाड़ियाँ में घूमते हैं सारा दिन वहाँ। तो उन्होंने पूरे आरोप गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाया ना, जो लड़का मुंह बांध कर करा रखा था भाई गांजा बिकता चिट्टा बिकता, उस लड़के को लिया सामने पकड़ाओ उनको, जिनका बिकता उनको श्रीराम ने पकड़ाओ ना उनको, इस चीज़ की कमी क्यों, वहाँ पकड़ाओ वहीं बिकवाने वाले उनको सारा पता है, पवाते हैं लड़कियाँ पर लड़ाई झगड़ा का पर्चा होगा, डकैत का पर्चा पवाते हैं, क्या डकैती मार ली, छेड़खानी 6 महीने से चली हुई है इलेक्शन से पहला, खिलाफ संदीप के खिलाफ, संदीप हाँ संदीप जो कि पार्सल का पति है, पार्सल का पति है, ठीक है। तो अब आप क्या कहना चाहते हो कि हम ये कहना चाहते हैं नशा हड़ा जो नशा बेच रहा ना उसको पकड़ो, नजायज पर्चे ना पुआ, पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, हाँ बिंदर पे आरोप लगा दिया, मेरे लड़के पर लगा रखा, मेरा नाम पहलवान है जी। आपका लड़का क्या करता है? मेरे लड़के दिहाड़ी करते हैं, एक तो नाले वाले में लगे हो या क्या नाम है आपके लड़के का? दीपक, दीपक एक दो तीन लड़के मेरे ऑटो चलाते हैं, एक लड़का का निजाज पर्चा पुआ का अंदर भेज दिए थी, उसके उसके लड़के के अपनी घरवाली का खुद बियर मारी रोहित ने, और मेरे लड़का भी निजाज पर्चा पुआ दिया भाई इसने भी मारी, कुछ भी कहीं भी जाओ साथ साथ अगर साथ मोटरसाइकिल लगा लेते हैं, गड्डी लगा लेते हैं, कौन लगा लेते हैं आपके साथ, एक तो साबू है, साबू है, साबू है, रोहित है, संदीप है, संदीप संदीप लगवा रहे हैं, संदीप ने कह रहे भाई तेरे लड़कियों को बाहर आने दे मैं मरवाऊंगा, तो खुली बदमाशी चल रही है, बच्चे से बदमाशी कर रहा और बदमाशी मारी बता रहा, नाम बदनाम मारा को रहा ये वो कर रही है सारा। अच्छा, लेडीजों पे भी लेडीज, तो आपने इसकी कोई शिकायत भी दी अभी तक? किस ने जी ऐसे है ना, कल मेरी बहू जा रही दो लड़कियों की, दो लड़के अंदर गए उनके पीछे लगा ली बैग, पीछे लगा रखी जिनके, आपने इसकी कोई शिकायत भी दी पुलिस को? पुलिस को दी है जी, 11 में गए थे, कल कब गए थे? कल गए थे जी, कल गए थे, करना देते हैं पुलिस वाले तो इनते भाई कदमारी बदली करा दे करा दे इस करके डरते हैं। अच्छा, Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888 4326 36 9988 18 8801.